की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। खाला अच्छी तरह जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को, दौलतमंद लड़का देखा नहीं और अपनी बहन बेटी आगे कर देना इन जैसे लोगों का सेवा। मर चुकी है वो हमारे लिए। मर चुकी है तो फिर अपने घर के किसी कोने में दफना देना था उसे। मेरे शाहजेब की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी आप लोगों को? एक माँ होके मैं उसे बदवा दे रही हूँ और तुम देखना, ये बदवाएं उसे कभी खुश नहीं रहने देंगी। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ इसी तरह वो भी तड़पेगी। Don't worry, she will be fine. भाई और भाभी नाश्ता नहीं करेंगे? वो घर पर नहीं है। वो इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? सुबह सुबह नहीं, रात से ही चले गए। लेकिन गए कहाँ? हिसरा के मामा की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, वो दोनों भी उन्हीं के साथ। मुझे समझ नहीं आती, भाभी की फैमिली उन्हें पसंद नहीं करती, उन लोगों ने आपकी खुद इतनी इंसल्ट की तो भाई बार बार उनकी तरफ क्यों जाते हैं? समझ आए भी कैसे, मेरे बेटे के दिमाग से तो इसरा खेल रही है। वो तो वही कुछ करता है जैसा इसरा कहती है, खुद अपनी मर्जी करना तो भूल ही गया है उसकी मोहब्बत में। चलो ये सब ठीक है, लेकिन कम से कम वो लोग भी तो बराबर की इज्जत देना, तब समझ आए। ये तो हम सोच रहे हैं ना, उसकी आंखों पर तो इसरा की मोहब्बत की पट्टी बंधी है। मेरा तो बहुत दिल कुटता है उसे इस तरह से देखकर। कोई बात नहीं खाला जान, चार दिन की चांदनी, फिर होगा वही जो हम चाहेंगे, संभाल लेंगे सिचुएशन को भी। हम चल के नाश्ता करते हैं। चल मैंने बस अब नाश्ता भी कर लिया और गोली भी खा ली है, अब तुम लोग अपने घर चले जाओ। मामा आप हमें भगाना क्यों चाह रही हैं? तुम लोगों का ना चले जाना ही बेहतर है इसरा। आप टेंशन ना लें, कुछ नहीं होगा, आप रिलैक्स रहें। मैं कॉल करके आता हूँ। अभी तबीयत बेहतर है ना आपकी? बेहतर हूँ मैं। अपना ख्याल रखें, अपने सारी दवाइयाँ। हाँ शाजिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा कदम रखने की? हम आप बैठ की बात करते हैं। बस करें भाई, बहुत हो गया आपका ये ड्रामा, खत्म कर दें इस खेल को। अभी के अभी दोनों इस घर से दफा हो जाओ। कहीं नहीं जाएंगे हम। क्या करेंगे? मारेंगे? मारे ना। आप क्यों खड़ी हैं यहाँ पर? अपने मियाँ को पिस्टल लाके दें ताकि हमें ये गोली मार रहे किस्से खत्म हो जाए। इस वक्त तुम लोग यहाँ से चले। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मारना चाहते हैं आप मुझे? मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक भाई अपनी बहन को कैसे कत्ल करता है। तुम्हें जो बात करनी है हम बात। कोई बात नहीं करेंगे ये तुमसे। आज ये सिर्फ मुझसे बात करेंगे और सिर्फ मुझे जवाब देंगे। आपको पता है हमेशा आपसे मार खा के आपको पलट के क्यों नहीं मारता ये? क्योंकि आपकी इज्जत करता है, जानता है कि आप मेरे बड़े भाई हैं। ऐसे बड़े भाई जिसे अपनी जिद और अना के आगे घर में की गई हुई कोई भी ज्यादती का कोई भी इल्म नहीं है और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी फजूल बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। सुननी पड़ेगी आपको मेरी बकवास, क्योंकि ये बकवास मैं बार बार यहाँ आके करूंगी और आपको सुननी पड़ेगी। मैं देखती हूँ आपको कैसे रोकते हैं आप मुझे मेरी माँ से मिलने के लिए। जो रिश्ता आपका है ना इनके साथ, वही रिश्ता है मेरा इनके साथ, और ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। मैं यहां पर आऊंगी, बार बार आऊंगी अपनी मां से मिलने,
देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। आप अपना ख्याल रखिएगा मामा, दोबारा मिलने आऊंगी आपसे। चलें। मैनेज कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम देख लो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बस निकल रहा हूँ घर से। हेलो। अरे इसकी नहीं जरूरत है यार। पेन किलर है, खा लो। मत क्या करो इतनी मेहरबानी मुझ पर, मेरे हिस्से की लड़ाइयाँ लड़ना छोड़ दो, मेरे एहसास से जुर्म को प्लीज मत बढ़ाओ। तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक भाई अपनी बहन को कैसे कत्ल करता है। तुम्हें जो बात करनी है हम मान। कोई बात नहीं करेंगे ये तुमसे, आज ये सिर्फ मुझसे बात करेंगे और सिर्फ मुझे जवाब देंगे। आपको पता है हमेशा आपसे मार खा के आपको पलट के क्यों नहीं मारता ये? क्योंकि आपकी इज्जत करता है, जानता है कि आप मेरे बड़े भाई हैं, ऐसे बड़े भाई जिसे अपनी जिद और अना के आगे घर में की गई हुई कोई भी ज्यादती का कोई भी इल्म नहीं है। जो रिश्ता आपका है ना इनके साथ, वही रिश्ता है मेरा इनके साथ, और ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। मैं यहाँ पर आऊंगी, बार बार आऊंगी अपनी माँ से मिलने, देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। यकीन नहीं आ रहा कि आपकी छोटी बहन है, कैसे तेवर दिखा कर गई है, कैसे बोल रही थी दोबारा आएगी, इतनी जल्दी इतनी बेखौफ हो गई। डर उस वक्त तक रहता है जब तक रिश्ते का एहसास होता है। और उसे इस हाल तक मैं नहीं पहुंचाया। मेरी नफरत ने उसे मेरे सामने ला खड़ा किया। अगर मोहब्बत होती तो उसमें इतनी जरूरत कभी ना होती। खैर, मामा को बर वक्त हॉस्पिटल अगर वो ना ले जाती और मामा को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। एहसान है उन दोनों का मुझ पर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ भाई, खुश तो हम हैं। मुझे नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? ऑफिस की उम्र वाली लॉटरी में मेरा और तुम्हारा नाम निकला है। सच? हाँ, नहीं तो क्या। सच कह रहे हैं आप? हाँ हाँ भाई, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन अगर हम दोनों चले गए तो निम्रा कहाँ रहेगी? यकीन मानो, रास्ते भर यही ख्याल मुझे सताता रहा। मैं उसे अकेले कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका यहाँ रहना। जिसे अल्लाह ने बुलाया है तो अल्लाह ही को इंसाम करेगा। हो जाए कितना कोई इंसाम, बहुत परेशान हो। आ जाओ, बच्चों को फोन करके बता दें। आ जाओ। क्यों अपने आप को बार बार मुश्किल में डालती हो इसरा? कैसी मुश्किल मामा? आपकी तबीयत पूछने के लिए कॉल किया मैंने। इसरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों यहाँ बार बार फोन करती हो? क्यों अपने आप को और शाह को नुकसान पहुँचाती हो? मामा देखें, जब मेरा दिल चाहेगा ना आपसे बात करने का, मैं आपसे बात करूँगी। जब मेरा दिल चाहेगा कि मैं आपसे मिलने आऊँ, मैं आपसे मिलने आऊँगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं नहीं रह सकती यार आप लोगों के बगैर। आपका दिल पत्थर है, लेकिन मेरा दिल पत्थर नहीं हो सकता। देखो इसरा, तुम्हारी शादी जिस माहौल में, जिस अंदाज में भी हुई है ना, मैं उस बात को दोबारा दोहराना नहीं चाहती। देखो, अब तुम्हारा वही घर है। मेरे से ज्यादा तुम्हें शाहजेब की फिक्र होनी चाहिए। कदर करो उस आदमी की जिसने तुम्हारे हिस्से की मारे खा खा कर उफ तक नहीं किया है। कदर ही तो नहीं कर पा रही हूं। अपना नुकसान इतना बड़ा है कि उसके बारे में सोचा ही नहीं जाता। नहीं इसरा, तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम बीते हुए लम्हों में रहकर आज को गवा दोगी। समझ रही हूं ना मैं क्या कह रही हूं? जी। देखो बेटा, शाहजीब एक मर्द है। उसने जो भी अपनी गलती की है वो अपनी गलती पर नादिम है। लेकिन उसको इतना भी मजबूर मत करो कि वो निदामत छोड़कर बेहसी पर आ जाए। अल्लाह ताला ने जब तुम दोनों को एक दूसरे के नसीब में लिख दिया है तो एक दूसरे को तस्लीम कर लो। और बीच में जो दूरियां हैं वो खत्म कर दो बेटा। Thank you.
अरे शाजे बेटा, कहाँ होते हो तुम? रात भी घर नहीं आए, सुबह भी जल्दी आए चले गए, मुझसे मिले भी नहीं। सुबह आ गया था मैं हॉस्पिटल से, लेकिन एक जरूरी मीटिंग थी इसलिए जल्दी निकल गया था। कोई काम है आपको तो बताइए। हाँ काम तो है, मुझे वकील के घर जाना है किसी जरूरी काम से। ले चलोगे? अभी जाना है? हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर चलते हैं। कहीं जा रहे हो तुम लोग क्या? नहीं तो इतनी तैयारी के क्यों फिर? मैंने कहा था इसको तैयार होने के लिए। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम लोग कहीं जा रहे हो तो मैं रजा या ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं बस फ्रेश होके आता हूँ, चलता हूँ आपके साथ। चलो, गुस्से में कम से कम इस बात का एतराफ तो किया तुमने कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पूछ नहीं रहा था, वो जता रहा था। वो इस तरह जता रहा था, मुझे फील हुआ कि उसकी मर्जी के बगैर हम यहाँ से ना जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। क्या बात है, कोई उलझन है क्या? आंटी से झूठ क्यों बोला आपने? क्या आपने मुझे कहा था तैयार होने के लिए? अच्छा तो और क्या कहता? ये कि मेरी बीबी मेरे वेलकम के लिए रेडी हुई है। कुछ भी कहते थे लेकिन झूठ तो ना कहते। ना झूठ तो चलता है। वापस कब आएंगे? अगर तुम इंतजार करोगी तो जल्दी। चलता हूँ यार, मम्मा वेट कर रही होंगी। आज अपनी नजर उतार लूंगा।
मैं मम्मा के साथ वहाँ बैठा हुआ था तो मैसेज भी किया था। लॉयर की डिस्कशन इतनी लंबी हो गई। गुस्सा हो गया। मतलब इतना ज्यादा गुस्सा हो कि बता भी नहीं रही हो कि गुस्सा हो। ऐसे गुस्से का क्या फायदा है जिसे बताना पड़े? जिसे फिक्र होती है उसे खुद पता चल जाता है। चलो गुस्से गुस्से में कम से कम इस बात का एतराफ तो किया तुमने कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मूड नहीं ठीक मेरा। हाँ मुझे पता है। अभी तुमने खुद कहा कि जिसे फिक्र होती है उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं। ठीक है फिर तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए क्या किया जाए? लड़ाई कर लेते हैं। लड़ाई? लड़ाई प्लानिंग से होती है। हाँ प्लान करके तो जंग होती है। तो ये जंग ही है। अच्छा अगर जंग से पहले प्यार से बात करके देखें तो हो सकता है जंग टल जाए। I'm sorry. सुनो I love you. Sorry. अरे इसे मैं love you. सुनो ये ज्यादा हो रहा है समझे? Okay. I'm sorry, we. Sorry. Next time. भी नहीं ऑफिस के लिए भी रेडी हो गए। घर वाले पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैं अभी तक सो रही हूँ। क्या टाइम हो रहा है? कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुम सो रही थी मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। और तुम मुझसे मिले बगैर ऑफिस चले जाते? हाँ तो उससे क्या होता? ऑफिस जाती तुम्हें कॉल करता, फोन पे बात हो जाती। फोन पे बात हो जाती ना, लेकिन तुम्हें ऑफिस जाते हुए तो नहीं देख पाती। तो फिर क्या होता? उससे क्या होता? उससे ये होता कि जो अच्छी बीवी होती हैं वो इसी तरह अपने हस्बैंड्स को गेट तक ड्रॉप करने जाती हैं। इसका मतलब है कि मैं ये यकीन कर लूं कि मुझे भी अच्छी बीवी मिली है। जी करने। ऑफिस आना जरूरी है। है तो दो मीटिंग्स हैं। तुम्हारा कोई और प्लान है क्या? नहीं कोई प्लान नहीं है। मैंने सोचा था बस हम कहीं बाहर चलते हैं। अभी चलना? नहीं। तो फिर क्या टेंशन है? मैं ऑफिस जाता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, फिर चलते हैं। ठीक है। अच्छा एक मिनट यहाँ वेट करो ना, मैं बस जल्दी से चेंज करके आ जाती हूँ। मैं तुम्हें बाय बाय कह दूँ। Thank you.
ये क्या तरीका है भाई? कब से नाश्ते का कहा है, क्यों नहीं लगाया अभी तक नाश्ता टेबल पर? पता है ना कि शाहजेब को ऑफिस जाना है, देर हो रही है। कितनी देर लगेगी? जी बेबी जी, बस 10 मिनट में लगा रही हूँ। फौरन लगाओ, जाओ। चीज ऑमलेट जरूर बनाना, शाहजेब को पसंद है। कल से किचन की जिम्मेदारी मैं ले लूंगी, मुलाजमों को तो काम का बताना पड़ता है ना। अरे बेटा, तुम क्यों जाओगी किचन में? है ना मुलाजिम, कर लेंगे ये काम, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर पे भी तो करती थी ना, यहाँ भी थोड़ा देख लूंगी। हाँ बेटा, लेकिन तुम लोगों के घरों का एक मसला है कि औरतों की आधी जिंदगी तो किचन में गुजर जाती है। हमारे यहाँ यही काम मुलाजिम कर लेते हैं, उन्हें करने दो बेटा। बिल्कुल ठीक कह रही मम्मा। तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू क्यों नहीं कर लेती हो? अपने आप को बिजी रखना है ना तुमने। बल्कि एक मिनट, मैं सोच रहा था कि हनीमून का प्लान कर लेते हैं। हनीमून? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। हाँ, बस तुम ही मत सोचना ऐसा कुछ अच्छा कभी। अभी कल ही तो वलीमा हुआ है, चले जाएंगे हनीमून पे, क्या हो गया? बल्कि क्यों ना हम सब साथ जाएं? आइडिया बुरा नहीं है, डन, साथ चलते हैं। नहीं नहीं, सब लोग साथ कैसे जा सकते हो, मैं अकेली रह जाऊंगी। ऐसा करो कि पहले समीरा और रजा चले जाते हैं, ये लोग वापस आएंगे तो तुम दोनों चले जाना। वैसे भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में काम का बहुत हर्ज हुआ है बेटा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ यार, काम का बहुत हर्ज हुआ है। तुम दोनों हो आओ, हम फिर चले जाएंगे। क्यों इसरा? ठीक है। इनफैक्ट कहाँ जाना है तुम लोगों ने हनीमून? चलो, तुम दोनों का हनीमून ट्रिप मेरी तरफ से गिफ्ट। अरे सो काइंड ऑफ यू भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन सोचने का तो टाइम ही नहीं मिला। समीरा तुम बताओ, कहाँ जाने का दिल है? अब करते हैं ना डिसाइड बाद में, सोचते हैं कुछ। अरे भाई बताओ ना तुम दोनों। नहीं सही, तुम लोग सोच लो आज रात तक। मम्मा मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं नाश्ता वहीं कर लूंगा, यहाँ टाइम। अरे नहीं भाई, नाश्ता करके जाना। मम्मा मेरी मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे रात में सोच के बताओ तुम। खुदा हाफिज। सुने, Have a nice day in the office, okay? And also, don't forget to miss me, okay? What is this behavior? तुमसे बात मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त। मुझे गुस्सा आ रहा, तुम फिर फोन पे लग रहे हो। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है समीरा? तुम्हारी वजह से गुस्सा आ रहा है, और किसकी वजह से गुस्सा आएगा? Obviously मैंने फिर कुछ किया होगा, क्या इस बार मैंने किया? ये शाहजेब क्या समझता है अपने आप को? मुझे क्या पता क्या समझता है, अब क्या कर दिया उसने। तुम्हें खुद इशू था ना कि साथ वलीमा क्यों है ना। ऑब्वियसली तुम्हें साथ हनीमून पे भी इशू होगा, इससे पहले उस बंदे ने खुद मना कर दिया, बस दैट्स इट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? और वो कौन होता है हमारा हनीमून प्लान करने वाला? उसने प्लान नहीं किया, वो सिर्फ हमसे पूछ रहा था कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। पूछ नहीं रहा था, वो जता रहा था।
वो इस तरह जता रहा था, मुझे फील हुआ कि उसकी मर्जी के बगैर हम यहाँ से ना जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। तुम उधर ही थी ना, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसके अंदाज में ना वही बात थी। इस तरह की शक्ल देखी थी तुमने? शक्ल देखी थी जब शाज़ेब हनीमून गिफ्ट करने की बात कर रहा था, वो हकारत भरी नजरों से हमें देख रही थी। इस तरह देख रही थी जैसे उसके शौहर के पैसों पे हम लोग जा रहे हो, जैसे वो हमें पाल रही हो। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, पर आज तक शाज़ेब ने कभी ऐसा कुछ नहीं जताया। तुम्हें क्यों महसूस होगा? तुम्हें नहीं होगा महसूस? महसूस करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। तुम पागल तो नहीं होगी? वो बेचारा हमें गिफ्ट कर रहा था। गिफ्ट नहीं कर रहा, वो दान दे रहा है, क्योंकि उसको तो पता है कि तुम तो कुछ नहीं करते हो। और जो इतना ऑफिस का बोझ अपने सर पे लिया हुआ है ना, वो इस वजह से कि तुम कभी भी अपनी शेयर्स के बारे में उससे बात ही मत करो। मेरी बात सुनो, मुझे ना उससे बात करनी भी नहीं, मुझे जीरो इंटरेस्ट है ये शेयर्स और ऑफिस के बोरिंग कामों में। ठीक है? ठीक है, मत लो इंटरेस्ट। एक बात याद रखना, वो दिन दूर नहीं है जब शाज़ेब पूरे बिजनेस का मालिक और इसरा इस घर की मालकिन होगी। क्यों निकालेगी हमें घर से? क्यों? याद रखना तुम। सिमरा, तुम इतना नेगेटिव सोच कैसे लेती हो? मैं नेगेटिव सोच रही हूँ? देख लेना अपनी आंखों से। जितना आप ऊंच नीच का ख्याल रखती हैं, आपकी बात से बहुत हैरत हो रही है मुझे। आपने अपनी भांजियों को बहू बनाने का पता नहीं कैसे इरादा कर लिया।